अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग तरीन इंटीग्रल के प्रॉब्लम को। हमारा प्रॉब्लम यह है कि फाइंड आउट द इंटीग्रल या सॉल्व द इंटीग्रल ऑफ ई ऑफ एक्स इंटू वन ओवर एक्स प्लस एल एन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। डियर स्टूडेंट, हमने इंटीग्रल निकालना है इस फंक्शन का। आप अगर हमारी ऑनलाइन अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 03042291893 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, हमारा प्रॉब्लम है सॉल्व द इंटीग्रल ऑफ ई ऑफ एक्स इंटू वन ओवर एक्स प्लस एल एन ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमने इस प्रॉब्लम को हल करना है। इसको हल करने के लिए हमारे पास एक सपोर्टिंग फार्मूला है और वो ये है कि ई ऑफ ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। उसका इंटीग्रल होता है ई ऑफ ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा सपोर्टिंग फार्मूला है। अगर कोई फंक्शन इस शक्ल में, इस शेप में, इस माहियत में अपेयर हो तो उसका इंटीग्रल डायरेक्टली ये आ जाता है। अब ये फंक्शन है, ज़रा देखें, हम इसको कंपेरिजन करते हैं। ई ऑफ ए एक्स ए की जगह पर क्या है, वन है। अब ये अगर हम इस फंक्शन को कुछ अरेंज करें, मैं पहले इसको अरेंजमेंट करके कुछ लूँ लिखता हूँ, इंटीग्रल e ऑफ x ln ऑफ x प्लस वन ओवर x डी ऑफ x। अब देखो बच्चों, ये फंक्शन आ गया एक्सपोनेंशियल, अंदर ये कोई फंक्शन है, साथ में इसका डेरिवेटिव क्या होता है, देखें ln ऑफ x का डेरिवेटिव वन ओवर x होता है, डेरिवेटिव भी आ गया। अगर बाहर एक्सपोनेंशियल हो, अब यहाँ पे x की साथ a की जगह पे क्या है, वन है, तो वन यहाँ पे भी है। अब देखें, अगर बाहर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, अंदर कोई सा भी फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो, तो इस सूरत में इसका डायरेक्ट इंटीग्रल क्या होता है, ई ऑफ ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो एक्सपोनेंशियल की जगह पे हमारे पास क्या है, ई ऑफ एक्स, यहाँ पे आ जाएगा ई ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है हमारे पास, एल एन ऑफ एक्स प्लस सी। दैट इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। यानी अगर कोई फंक्शन इस तरह की शेप को अपेयर कर रहा हो, ये फार्मूला फॉलो कर रहा हो, तो उसका डायरेक्टली इंटीग्रल इस फॉर्म में हो जाएगा। और हमारा ये जो फंक्शन था, इंटीग्रल ई ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स डी एक्स, ये इस शेप को फॉलो कर रहा था, तो इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रल है वो ई ऑफ एक्स एल एन ऑफ एक्स प्लस क्या आ गया, सी। ओके, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मज़ीद डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।